सो वी आर डिस्कसिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये हो गया कि बाबू दीज आर द स्टैंडर्ड्स सेट फॉर डूइंग अकाउंटिंग्स इन इंडिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली दे आर अप्लाइड एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ओनली, यही प्रॉब्लम है। तो जैसे आप लोग को पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब बाबू जैसे कि आरबीआई है, पहले बता रहे थे आरबीआई इज द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इन इंडिया। नॉट ओनली द आरबीआई, दैट डज नॉट मीन कि आरबीआई इज द गवर्निंग बॉडी एंड ऑफ द बैंकर्स ओनली, नॉट लाइक दैट। आरबीआई, यू नो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या काम में आता है, वो बैंकों की बैंक है जो कि पैसा इशू करता है, जो कि सारे बैंक्स को संभालता है, ठीक है ना, बैंक्स पैदा करता है और खत्म भी करता है, यू नो, बिकॉज आरबीआई हैज ओनली द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड इट हैज ओनली द कैपेसिटी टू वाइंड अप ए बैंक लाइक दैट। कि इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन चाहिए होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, आरबीआई दे सकता है। तो लाइक दिस, तो वैसे ही अकाउंटिंग एडवाइजरी कभी गवर्नमेंट को चाहिए, या फिर जो कॉरपोरेट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, इसको ध्यान से रखो, उसको संभालने के लिए ICAI है, यही बात है, समझ रहे हो, उसको संभालने के लिए ICAI है। तो दैट मीन्स कि ICAI नॉट ओनली आर द इंस्टीट्यूट टू एडुकेट टू ग्रेजुएट द CA स्टूडेंट, दिस इज द फाइनेंशियल एडवाइजरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ऑफ इंडिया, सॉरी अकाउंटिंग एडवाइजरी ऑफ द इंडिया। समवन विश टू जॉइन, चलो नेक्स्ट इट। तो लाइक दिस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे थे, ICAI इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इशूइंग द अकाउंटिंग एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द कॉर्पोरेट्स दैट आर कॉर्पोरेटेड इन द इंडिया, समझ में आई बात, ऐसे ही। तो पहले पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर, तो मेन बेसिक प्रॉब्लम जो है वो बता दे रहे हैं हम आपको, बहुत स्लो नेटवर्क पे हम बैठे हैं, दिस इज द थिंग। सो नेक्स्ट इट, गोइंग अहेड अगेंस्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो व्हिच आर द बेसिक डिफरेंसेस एंड व्हाट इज कॉल्ड द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS और इंडियन AS, इसको कहा जाता है, वो क्या है, बेसिक डिफरेंस पहले बताते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉन्फाइंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉन्फाइंड विद इन इंडिया ओनली, दिस इज द थिंग, एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स, ये इंडियन टेरिटरी, इंडियन बाउंड्री के अंदर ये चलता है, और सिर्फ इंडियन लॉ सिचुएशन को देख करके ये बनाया गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बाकी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं पता, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लिखा है, सिर्फ AS जो था, सिर्फ AS जो था, दैट आर कॉन्फाइंड इन इंडिया ओनली एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाई वॉचिंग द इंडियन सीनरियो, इंडिया के लॉ के हिसाब से, इंडिया के कानून के हिसाब से देख करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, दिस इज कन्वर्ज टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, समझ में आई बात। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे ग्लोब को देख करके, वर्ल्ड की रूल्स रेगुलेशन को देख करके, वर्ल्ड के हिसाब से गए, दैट मींस व्हेन वी फॉलो द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ए पर्सन ऑफ एनी कंट्री दैट ही एबल टू अंडरस्टैंड आवर अकाउंट्स, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे हमको सीखने वाला क्या मिलने वाला है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की जरूरत क्या था, ये चीज़ हमको सीखने को मिल जाएगा। जहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा वहाँ पे आप कमेंट करोगे हम मुझे, ठीक ना, आई एम मॉनिटरिंग योर स्क्रीन, दिस द थिंग। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक्स जो पूरा चैप्टर की ओवरव्यू ये है कि कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को फिट होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फिट हो जाता है। तो बाकी वर्ल्ड में जिस हिसाब से अकाउंटिंग हो रहा है उस हिसाब से देख करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, यही बात। नेक्स्ट लिखा हुआ ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की और क्या बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, कि आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो बाकी। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, ठीक है ना, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं तो हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, दैट मीन्स कि दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द ट्रू अफेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ट्रू एंड फेयर अफेयर्स, दिस इज द थिंग। कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि यूनिफॉर्मिटी,
समझ में आई बात, यूनिफॉर्मिटी एंड द कंपेरेबिलिटी, कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा भी अकाउंट्स की तरीका जो है सेम रहे, बैलेंस शीट जो है सेम रहे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम बना रहे उसको तरीका बनाने की सेम रहे, ताकि बाकी भी समझ सके हमारे अकाउंट्स और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही बात होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हालांकि बहुत होता है अभी 12 तक, अब कम पढ़े हो आगे जाकर के बहुत पढ़ोगे। तो कंपेरेबिलिटी इट फैसिलिटेट्स द कंपेरेबिलिटी, दैट मींस कि आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट मे बी कंपेयर्ड विद एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट ऑल्सो बिलोंग टू सम अमेरिकन कंपनी। यही बात होगी, तो अमेरिकी कंपनी की कोई बैलेंस शीट के साथ तुम अपनी इंडियन कंपनी की कोई बैलेंस शीट को कंपेयर कर सको, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझ में। और एनहांस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हम बताते हैं कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ना, उसके आधार पे जितने भी सारे आइटम्स आप दिखा रहे हो उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर रहते हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर रहते हैं का मतलब ये हो गया कि तुम जैसे डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा अप्लाई करते हो, आप जब एसेट्स वो परचेज कब किए थे, कौन से मेथड पे आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो, इंटेंजिबल असेट की बात हो, गुडविल परचेज कब किए थे, गुडविल्स की वैल्यूएशन की मेथड आपकी तरीका क्या रहा, बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, बिकॉज जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो दैट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी एंड द बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स को उसका बिहेवियर पड़ता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्लास लेना क्या जरूरी था, क्यों पढ़ा रहे हो ये सब, सुनिए भाई बता रहे, सुनिए, सवाल ही आप लिख लो, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लो। हालांकि माई टूडे माई पेन इज नॉट वर्किंग वेल ड्यू टू द आई डोंट नो बट मे बी सम फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम एंड एटसेट्रा, दैट से आप सवाल खुद से लिख लो। क्या होता है सवाल, देखिए पहले सवाल बता रहे कि राइट डाउन द नीड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एमरजेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हो गया नंबर वन क्वेश्चन। तो आइडियल मत बैठा करो, यहाँ पे कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, समझ रहे हो कि हम कोई हीरो और विलेन नहीं, जो सिनेमा नहीं चल रहा, बैठे यूं देखते रहोगे, लिखते रहो साथ साथ, तो कुछ समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सवाल कुछ इस तरीके से आने हैं, हमेशा वही सिग्निफिकेंस एंड नीड, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, मान लो इंसर्ट इंपॉर्टेंस, बट इन रियलिटी दीज आर टू डू डिफरेंट वर्ड्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कोई सवाल लिखो, विच आर द सिग्निफिकेंस एंड द नीड ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इशूइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड राइट डाउन विथ कन्वर्जेंस टू IFRS, समझ में आई बात, विथ कन्वर्जेंस टू IFRS, IFRS क्या है इसका फुल फॉर्म बताए, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर टू, विच आर द सिग्निफिकेंस एंड नीड्स फॉर इशूइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स राइट डाउन विथ कन्वर्जेंस टू, राइट डाउन विथ कन्वर्जेंस टू दिस वन, कन्वर्जेंस का मतलब पता ही आपको, बता देंगे कन्वर्जेंस टू IFRS, IFRS मतलब ये IFRS क्या होता है ना, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, मतलब इंटरनेशनली जिस हिसाब से अकाउंटिंग चल रहा है उसकी रूल्स रेगुलेशन है IFRS, समझ रहे हो, तो उसके साथ ताल मिला के बनाया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक के लिए यही समझ जाओ, आगे तो पूरा पढ़ाइए, ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे, तो स्पीड ऑफ फास्ट, तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सिट डाउन विद योर पेन कॉपी बुक एटसेट्रा ले करके बैठ, यूं बेशर्म की तरह मैगी खा के मत बैठा करो, ठीक है ना, तो पैर हिलाते हिलाते बेड में लेटते मत बैठा करो। आगे देखो तो क्या लिखे गए हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दैट मीन्स कि IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है, यही बात है, सबसे पहला उसी को ही ग्लोबल स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, समझ में आई बात, इसका मतलब क्या हुआ ना, आपकी कंपनी में अकाउंट्स करने की कुछ स्टैंडर्ड होंगे,
कि वी विल इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो आपकी कंपनी में फिट है ना। पूरी इंडिया में अकाउंटिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स का मतलब हो जाते हैं नॉर्म सेट दैट आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो पूरी इंडिया में अकाउंट्स करने की स्टैंडर्ड है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है ना, ग्लोबली हम जिस हिसाब से अकाउंटिंग हो रहा है उसको इम्प्लाई करते हुए, कॉम्प्लाई करते हुए हम इंडिया में स्टैंडर्ड्स लाएंगे, वो हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी बात है इन रियलिटी, हमारा इंडिया तो छोड़ दो, पूरा ग्लोब में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड है क्या, पूरा इंटरनेशनली कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स है क्या जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं? हम कहेंगे यस। उनका नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तभी क्या हुआ, जनरली ये कहां से आया था? तो देखिए, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड सेट करने की जो मुद्दा आया वो है लंदन से। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो एक लंदन बेस्ड ग्रुप था, तो उस लंदन बेस्ड ग्रुप का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो दे रखे थे ISC। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, और ये कुछ 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था। समझ में आई बात? धीरे धीरे उसका नाम परिवर्तन होते हुए, ठीक है ना, 90s में परिवर्तन हो गया, उसका नाम हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये सब आप भी लिखोगे, जब एक सवाल शुरू कर रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, और इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में बहुत चीजें लिखोगे कि आप एक चीज को टेंड करते हुए, अप्रोच करते हुए जो परिभाषाएं आपको चाहिए वो चीजें आप लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, तो 1973 में इसका नाम क्या पड़ गया, हाँ स्टार्ट हुआ था, उसका नाम पड़ गया बाद में ISB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए नाम बहुत ईजी है याद है। तो फिर ऐसे चलते चलते कम से कम 75 कंट्री में ये फॉलो होने लगे, और फाइनली प्रेजेंटेड ऑडिटर फाइनेंस। तो अभी ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए पूरा ग्लोबली एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो IFRS की पूरा कहानी था, ठीक है। तो पहले ये लंदन में शुरू हुआ, और पहले ISC जो कमिटी था वो ये स्टैंडर्ड इशू कर रहे थे, बना रहे थे, फिर उसके बाद ISB उसका नाम हो गया। आगे चलते हैं, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है क्यों, प्रमोट एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। समझ में आई बात क्यों? सबसे पहले छोटा बात बता दे रहे, जरूरत क्या था, हम अभी तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बात कर रहे थे, अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ देख लीजिए, बता रहे मुद्दा क्या है। तो जो अमेरिकी कंट्री है, आपको पता ही होगा बहुत सारे इंडियन कंपनी है वहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे इंडियन कंपनी है जहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो अमेरिकी कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको तो आना चाहिए, देन ओनली एक इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर फ्रॉम द अमेरिका विल इन्वेस्ट इन द इंडिया। एंड जब तक फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आएगा तब तक इंडिया की डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आपको पता ही। लेकिन वो लोग तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब वहाँ की इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम उनको समझ में आएगा। तो ग्लोबल क्योंकि बिजनेस हो गया, पूरा व्यापार जो कंपनियां होता है ग्लोबल लेवल में आगे, इसलिए सारे कंपनियों की ग्लोबल लेवल में समझ हो सके, कंपेयर हो सके, अंडरस्टैंड हो सके, इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इशू किए गए। समझ में आई बात? तो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए इशू किए गए, यही बात। फिर आगे क्या लिखा हुआ वही जो बताए थे, आगे देख लो। तो 73 टू 2008 में कुछ चेंजेस हुआ, और ये ISB हो गया जो पहले से बताए थे, दिस चेंज कम इनटू इफेक्ट ऑफ 2001 से फिर स्टार्ट हुआ, और इज द स्टैंडर्ड अराइजिंग प्रिंसिपल कॉल्ड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल। अभी देखो नाउ ISB जो स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं, ISB याद रखना बहुत ईजी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो जो स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं उनका ही नाम पड़ गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ठीक है। तो बहुत आसान है, चलिए याद रखते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ISB, इन रियलिटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज अ बॉडी ग्रुप ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, ठीक है ना, वो हमारे अभी मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट, ये जो पॉलिसियां इशू करते हैं, ठीक है ना, जो भी पॉलिसी इशू करते हैं, इस पॉलिसी के नाम है IFRS, बस यही बात है। तो ये पॉलिसी का बस नाम है IFRS, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट कवर्ड नाउ दीज IFRS स्टैंडर्ड्स आर द प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल बेस्ड, जैसे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल सुने हो ना, प्रिंसिपल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज, अब क्या क्या प्रिंसिपल्स सुने हो, लाइक दिस अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स,
few certain principles you already have read. Now these standards are prepared based upon their principles, but those principles are applied which are generally accepted worldwide. Even in fact they establish broad rules rather than accusing. अभी देखो लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हुए, ठीक है ना, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज हो गए. अभी पहले कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज था, अभी सिर्फ सिर्फ एनएससी बीएससी ज्यादा एक्टिव है, उधर बाकी सब उतना एक्टिव नहीं है. तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में, जो स्टॉक एक्सचेंज है नासडाक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत कुछ है. तो इन स्टॉक एक्सचेंज के बीच डायरेक्ट ट्रेडिंग होता है, तो इन ट्रेडिंग होने के लिए उनको अकाउंटिंग की समझ जरूरत था, इसलिए आईएफआरएस आज भी काम कर रहे हैं. समझ में आई बात, इंटरनेशनल फाइनेंशियल. और ऐसे धीरे धीरे देखते देखते 7000 एंटरप्राइजेस इसमें जुड़ गए और उसके सब्सिडरीज भी. क्या आपको सब्सिडरी पता है? पढ़े तो हो गई उतना. एक बड़ा कंपनी होता है, वो छोटे छोटे जो भी कंपनियों को ग्राब कर लेते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जितने भी कंपनियों को वो ग्राब कर लेते हैं उनको सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है. दिस इज द थिंग, सब्सिडियरी कंपनी. तो 7000 एंटरप्राइजेस फॉलो कर रहे हैं आज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स आईएफआरएस, एंड उनके जितने भी सारे सब्सिडरीज रहे. ये पुराना डेटा था, आज की डेट में मान करके चलो तो 50,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो कर रहे हैं, ये चीज लिखा. तो ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पूर्वाभास, इंट्रोडक्शन की परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं. समझ में आई बात? तो इतने सारे चीज लिखना है. देखिए किस्मत रहा तो दिस विल बी अगेन, हम इसको अच्छे से रिकॉर्ड करके हम अपने चैनल में छोड़ देंगे, लेकिन वो उम्मीद मत रखा करो. जो यहाँ से पढ़ना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, या तो यू कैन मेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दी स्लाइड्स, देन यू विल रीड इट लेटर आल्सो विद माय एक्सप्लेनेशन, राइट डाउन विद माय एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दीज लैंग्वेजेस विच आई एम एक्सप्लेनिंग. तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके बाद में पढ़ भी सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, अंडरस्टैंड. और किस्मत रहा तो हम इस सारे चीज के ऊपर कोशिश करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो जो एडिट करके हम छोड़ देंगे. आगे देखो बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस. आईएफआरएस समझिए आगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कन्वर्जेंस. अब आगे बात कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो? जब हम दो दिशाओं को लेकर के बात करते हैं और एक सर्टन पॉइंट में आना चाहते हैं उसको कन्वर्जेंस कहा जाता है. समझ में आई बात? दिस इज द थिंग. सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द ग्लोब, एंटायर ग्लोब, मीन्स विच आर द वेरियस स्टैंडर्ड्स दैट वी मस्ट सेट इन आर इंडिया दैट विल बी कंप्लाइड विद द एंटायर ग्लोब, दैट विल कंप्लाइड विद द एंटायर ग्लोब, एंड दिस इज ऑल्सो बी केप्ट इन आर माइंड दैट की दिज नॉर्म्स विल बिलोंग टू आवर कंपनीज एक्ट. हमारे कंपनी एक्ट में भी कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, सेबी में रूल्स लिखे हुए हैं, हम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी सेट करके रखे हैं. ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी सेट करके रखे हैं. तो इस सब की रूल्स और नॉर्म्स को देख करके फिर हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ग्लोबली भी हमारा एक्सेप्टेड हो, समझ सके. तो आईएफआरएस के साथ भी हम ताल मिला के चलेंगे, ये बात कर रहे हैं. दिस इज व्हाट कॉल की कन्वर्जेंस विद द आईएफआरएस. अंडरस्टैंड द, वी नीड टू रीच एट ए सर्टन कंक्लूजन. हम एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंचेंगे जो कि हमारे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई भी हो जाएगा और इंडिया की लॉ के हिसाब से भी प्रिंसिपल बनाए जाएंगे. क्योंकि आपको पता है इंडिया की कंपनी कैसे चलता है, आज पर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, आपको पता ही है. तो इस दोनों के बीच में मारामारी में आ गया आईएएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब जो समझा था जो नहीं समझा था शायद सब कुछ समझ गए, बस आपको उतना. दिस इज द थिंग, आई एम आउट स्टेशन, ओके, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम ऑकर्स. नेक्स्ट, अभी देखो बेनिफिट्स क्या है. तो हम आईएफआरएस के साथ ताल मिला के चले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ ताल मिला के चले कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा है क्या हमारे देश को, हमारे कंट्री को, हमारे जनता को और व्यापारों को? कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल फायदा है. आगे देखो द इकोनॉमी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, द इकोनॉमी इसमें क्या लिखा हो, इकोनॉमी के लेवल में कैसे आ गए हो? जैसे हम बताए थे, थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स की किसी का नॉलेज हो उनको पता है ही व्हेन इंडिया विल गेट डेवलप्ड. अभी थोड़ा सा चल रहा है, हम पर रहम कर दिया, अजीब बात है भाई, इसी द थिंग. छोटा पॉइंट बता दे, कोई पूछ रहा है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है. छोटा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं.
तो IFRS, जैसे कि आपको पता हुआ, ये लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे शुरू हुआ था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये बनाता है IFRS, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है इन जनरल। अपना अपना कंट्री में अपना अपना स्टैंडर्ड है, रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन पूरा अगर ग्लोब के लेवल में आ जाए तो IFRS यूज होता है, दिस इज द थिंग। और सिंपल बात वही है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे पढ़ेंगे, ये कौन कैसे क्या इशू करता है, ये हमारा कंट्री इशू करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ ICAI, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो AS IAS दोनों ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर करते हैं, दिस इज द थिंग्स। और इंडियन IAS हमारे इंडियन कंपनी और कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया गया है, किसको देख के, IFRS को देख के, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो बेसिक डिफरेंस आप लोग को पता चल गया, IFRS ग्लोबली, IAS हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंडिया में फॉलो होंगे, और ये ICAI इकोनॉमी। तो देखिए अभी बेनिफिट्स पूछ रहे थे, ठीक है, एडवांटेजेस आपकी लिमिटेशंस हो, बेनिफिट्स हो, या फिर कंपैरिजन हो, या डिफरेंसेस हो, पूरा स्लाइड है, सब कुछ देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंपैरेबिलिटी पता चल जाएगा, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखे था, भूल जाओ उसको, अभी हम पढ़ रहे हैं कि पूरा ग्लोबली एक्सेप्टेड होने के लिए तो इंटरनेशनली जो इनिशिएटिव लिए गए थे वो IFRS था, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, दोज आर एप्लीकेबल एंड अप्लाइड बाई ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो हम बनाए उनको देख करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बस इतना तक अभी समझो। अभी देखो क्या जरूरत क्या था, सबसे पहले बात कि बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विद IFRS, हम IFRS के साथ ताल मिला के हम अपना स्टैंडर्ड्स बनाए, उसका जरूरत क्या। चलिए पेन रहम कर दिया तो अभी चल रहे हैं, क्या हम लिख पा रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। I am writing स्मूथ, अच्छा ठीक है, मतलब दया कर दिया हमको पेन, चल रहा है, ठीक है। तो द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लेवल पे क्या फायदे होने वाले, स्टार्ट देखिए। तो दिस इज आवर इंडिया, क्या आपको पता है कि करेंसी का वैल्यू कब ऊपर जाएगा, रुपया की वैल्यू कब ऊपर जाएगा, जब फॉरेन कंट्री से, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, जब फॉरेन कंट्री से ज़्यादा से ज़्यादा वैदेशिक मुद्रा हम लाएंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो व्हेन वी कैन अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसीज दैट विल इंक्रीज एंड एनहांस आवर मॉनिटरी वैल्यू, दैट मीन्स द रुपी वैल्यू वो एनहांस करेगा, वो आगे बढ़ाएगा, समझ में आई बात। इसलिए वो कैसे हो सकता है ना, हमारे इंडस्ट्री पर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर वैदेशिक लगात ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं हमारे कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सारे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन बाबू तब करेंगे इंडियन कंपनी में बोलोगे इन्वेस्टमेंट, जब इंडियन कंपनी की अकाउंट्स कहो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहो उनको समझ आएगा। पहले तो बात है अंडरस्टैबिलिटी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो पहले इकोनॉमी के तौर पे लिखा हुआ है, सो आवर इंडिया अट्रैक्ट्स मोर एंड मोर फॉरेन करेंसीज फॉर व्हाट, हमारा इकोनॉमी स्ट्रेंथ हो रहा है, यही फर्स्ट चीज लिखा हुआ है इकोनॉमी के लेवल पे, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो हाँ क्या बता रहे थे इसमें, तो वी आर अडॉप्टिंग द IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई द फॉरेन कंट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज दे एबल टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस, हेंस दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, हेंस आवर इकोनॉमी गेट स्ट्रेंथेंड, इतना चीज आपको यहाँ पे लिखना है, और ये जो थियरी लिखा हो हालांकि आप कॉपी कर सकते हो। आगे देखो इन्वेस्टर्स, अभी इन्वेस्टर्स के ऊपर बात हुआ, पहले तो इकोनॉमी के ऊपर बात किए, फिर इन्वेस्टर्स के ऊपर बात हुआ, वही बात। तो जो जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट, क्या आपको पता है, आज इंडियन एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स के थ्रू, ठीक है ना, ब्रोकर्स के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ब्रोकर्स लगेगा, ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई भी NRI हो या फिर कोई फॉरेन पीपल हो, हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे उनको भरोसा मिलेगा, रिलायंस, समझ रहे हो, भरोसा मिलेगा, रिलायंस एक कंपनी भी है, और रिलायंस का मतलब ही होता है भरोसा, क्या आपको पता है, इसका मतलब ये होता है भरोसा,
अरे हिंदी बहुत खराब चीज है। हाँ देखो, तो दिस इज द थिंग, वही चीज लिखा हुआ है। तो आउटसाइड कंट्री में कब इन्वेस्टमेंट करेगा ना, जो इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन उसकी जरूरत का हो, रिलायबल हो, टाइमली हो, एंड वो कंपेयर कर सके। समझ में आई बात? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS को लेकर के जब बनाए जाते हैं तो वो उनको समझ पाते हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो रेडी होते हैं। अंडरस्टैंड? यही बात हुआ है। नेक्स्ट, और क्योंकि हम IFRS फॉलो कर रहे हैं तो आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डेड एज द हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेन बात तो यही है कि वो समझ सके, उनको भरोसा मिले, और उनके कंट्री के जैसा हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले था इकोनॉमी स्ट्रेंथ हो रहा है, सेकंड में था हम इन्वेस्टर्स आन कर रहे हैं, थर्ड में सेम चीज लिखा हुआ द इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है ना, मेक इन इंडिया के तहत क्या हुआ आपको पता है क्या क्या होने वाला था? बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। सबसे पहले एप्पल इनकॉर्पोरेशन इंडिया में स्टार्ट करेगा प्रोडक्शन, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे मैन पावर की मतलब कमी कम होता है, लेबर कॉस्ट वगैरह उसकी प्रॉब्लम होता है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, मेगा फैक्ट्री गीगा फैक्ट्री बिठाया नहीं जाता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, इसलिए एप्पल इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं। लेकिन मुद्दा था, आज नहीं तो कल होगा ना भाई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यहाँ पे आकर के प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि चाइना में कर रहे हैं तो यहाँ भी कर ही सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दा था, और अगर ये ना भी हुआ तो ठीक है, आपको पता होगा MI फोन आप देख रहे हो वो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, बहुत सारे ऐसे फोन है कंपनियाँ सब इंडिया में प्रोडक्शन हो रहे हैं। अभी थोड़ा हम क्या बताने की कोशिश किए, क्या बताने की कोशिश की, तो मोबाइल फोन कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की ग्लोब में वर्ल्ड वाइड पे एक बहुत बड़ा डिमांड है, जो इंडिया के स्तर में कब आएगा, जब MNCs मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आएंगे। समझ में आई बात? तो इंडिया की मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल फोन की इंडस्ट्री तब स्ट्रेंथन होगा जब अमेरिकी कंपनी इंडिया में आएंगे, जब चाइनीज कंपनी, देखिए मोबाइल फोन वगैरह चाइना में ही होता है ठीक है ना, तो चाइनीज कंपनी इंडिया में आएंगे तब जाकर के यही बात हुआ। हाँ हाँ बात करेंगे, उनको घुसने नहीं देंगे चाइनीज प्रोडक्ट को, लेकिन इंडिया में बनाएंगे तो हो सकता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मुद्दा वो नहीं, हमको अकाउंट समझाना है, हम राजनीतिक मुद्दे में आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यही बात है, तो इंडस्ट्री स्ट्रेंथ होगा, इंडस्ट्री का मतलब समझ रहे हो, तो जितने भी सारे एंटरप्राइजेस हैं मोबाइल मैन्युफैक्चर के उनको मोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है, जितने भी सारे एंटरप्राइजेस हैं कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहा जाता है। तो हमारा इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो रहा है कब, जब MNCs मल्टीनेशनल कंपनी, जब MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। सर सेम चीज तो आप बार बार बता रहे हो, नहीं अभी इंडस्ट्री के बारे में हम बात किए, इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन वो तब करेंगे इंडिया में व्यापार जब इंडिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंडिया की अकाउंट्स, इंडिया की मेथड्स, इंडिया की टेक्निक्स उनको समझ आएगा और वो अपनी कंट्री में उसको कंपेयर कर सके, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके कंट्री में और भी इन्वेस्टर्स समझ सके। इसके लिए हमको क्या करना पड़ जाएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ जाएगा, IFRS की जैसे इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो इन रियलिटी IFRS को मॉडिफाई करते हुए सेम चीज अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसका मेन मुद्दा यही था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा थियोरी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कॉपी कर सकते हो, इन्वेस्टर्स करोगे तो ये फायदे हो रहे हैं। क्या चीज के लिए, ऊपर देख लो, जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो ये फायदे होते हैं, अभी आएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अभी तक नहीं बताए थे भाई, रियल फैक्ट क्या है बता रहे हैं आराम से, कुछ मैसेज आया है चेक कर लेते हैं। कैसे स्टार्ट, ओके, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स IFRS, IFRS को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, देखिए हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे स्टार्ट करें, अभी तक IFRS क्या है पूरा डिटेल समझा दिए, उसका फायदा क्या है, IFRS पूरा ग्लोबली मतलब एक्सेप्टेड क्यों है और एक्सेप्ट करने का फायदा क्या है वो सब कुछ पढ़े। तो कहाँ से IFRS शुरू हुआ था, लंडन की पूरी कहानी बताया, अब इंडिया की कहानी अब सुन लो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इंडिया में प्रीमियर बॉडी है, तो 2006 के साल में 10 मैसेजेस आ रहे हैं यार,
करें। तो 2006 में इनिशिएटेड हुआ प्रोसेस की टुवर्ड्स की इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हम इंडिया में भी आकर के फॉलो करें और उनके लिए भी कुछ बनाएं, ये चीज़ शुरू हुआ, ठीक है ना, ये चीज़ शुरू हुआ। तो उस हिसाब से जस्ट अ सिंगल मिनट, डिस्टर्बिंग माय डिवाइस। क्यों? ड्यू टू द एनहांस एक्सेप्टेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी, इंडियन अकाउंट्स दैट विल बी एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई पहले एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हम इसको फॉलो किए। सेकंड थिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी कि आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द ट्रू एंड फेयर बेसिस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द थिंग। आगे क्या लिखा हो देखो, नेक्स्ट। और ये जो मूवमेंट था आईसीआई की, आईसीआई मूवमेंट था कि आईएफआरएस को फॉलो करके हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, दैट विल लेटर ऑन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखा हुआ देखो। स्टेट आईसीआई डिसाइड किया डायरेक्टली हम आईएफआरएस को लिखा एंड नॉट टू अडॉप्ट आईएसपी, तो हम उसको डायरेक्टली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करेंगे, एक मॉडिफाइड वर्जन फॉलो होगा, ये लिखा है। मतलब क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो भी यूज करेंगे यूजर्स, अभी जो मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको जो जो भी यूज करेंगे उनको स्टेक होल्डर्स कहा गया, जैसे कि कंपनियां यूज करेंगे, ठीक है ना, बैंक्स यूज करेगा, गवर्नमेंट यूज करेगा, तो ये सारी चीज को स्टेक होल्डर कहा जाता है। क्या आपको पता है स्टेक होल्डर को क्या किसको कहा जाता है? कुछ भी एक चीज का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। दैट मीन्स द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ ए सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। आगे देखते चलो, फिर क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आईएफआरएस की मैक्सिमम पॉसिबल फीचर्स, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल फीचर्स रखा गया, दैट विल बी केप्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, मैक्सिमम। एंड कोई कोई आईएफआरएस की जो स्टैंडर्ड है नीचे दिखाएंगे बाद में, ठीक है, एक बार दिखा भी देते हैं। दीज आर द, लुक एट दीज आर द वेरियस स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये जनरली आईएफआरएस थे, उनको उनको एज इट इज रखा गया है, बहुत सारे स्टैंडर्ड और कुछ को थोड़ा बहुत बदल दिया गया। चलिए हम पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। तो आईएफआरएस को आज इट इज फॉलो करने के लिए कोशिश किया गया, जहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई की जरूरत हुआ एज पर द इंडियन लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स, वहां पे मॉडिफाई किया गया है और फाइनली बन गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये चीज पहले लिखा हुआ। आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ, एज पर द मैटर पॉसिबल इन लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग आईएफआरएस, एब्सोल्युटली एसेंशियल, जो एसेंशियली एब्सोल्युटली एसेंशियल रहे उनको रखा गया है। The changes have been made during the various factors such as various terminology related to the changes. हाँ, कुछ टर्म होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, वो लीगल टर्मिनोलॉजी होते हैं, समझ में आई बात, लीगल टर्मिनोलॉजी। आज भी देखोगे आप बहुत सारे टर्म है, आसेसी अकाउंटिंग जो जो टैक्स देते हैं उनको आसेसी कहा जाता है, ये टाइप करके देखोगे कंप्यूटर में गलत दिखाएगा, ये डिक्शनरी में है ही नहीं। कहने का मतलब है कुछ टर्म्स होते हैं जो अलग ही कंट्री में मतलब डिफरेंट उसका मतलब होता है, वो इंडियन टर्म्स लीगल्स में नहीं होते। तो जो टर्मिनोलॉजी थे बाहरी कंट्री का उनको चेंज किया गया, कुछ थोड़ा बहुत प्रिंसिपल चेंज किया गया, एंड सर्टन चेंजेस हैव बीन मेड कंसीडरिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सामने मुद्दे रखते हुए कुछ टर्म्स कंडीशन मतलब पॉलिसी चेंज किए गए, कहाँ से, आईएफआरएस से, व्हिच इज डिफरेंट एज द दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे क्या लिखा हुआ, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो एग्जैक्टली अगर उसकी मीनिंग बताएं तो व्हिच आर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आईएएस क्या होता है, इंडियन एस क्या होता है ना, इंडियन एस आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ये मूल तो होता है, जो एक्चुअली ओरिजिनली ये आईएफआरएस ही होते हैं, कन्वर्ज स्टैंडर्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कन्वर्ज मतलब ताल मिलाते हुए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ द टू एस्पेक्ट,
एंड फाइनली वी हैव टू गेट ए कॉन्क्लूजन, फाइनली वी हैव टू गेट ए कॉन्क्लूजन, दिस इज व्हाट कॉल्ड द कन्वर्जेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कन्वर्ज टू स्टैंडर्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, ऑफ ICAI इन कॉन्स्टिट्यूशन से तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कौन करते थे, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पहले से बताए थे ASB। अब ASB ही IFRS जो है IFRS के साथ ताल मिलाते हुए स्टैंडर्ड्स कुछ फॉलो करने की कोशिश किए, वो हो गया IAS, बस यही लिखा हुआ। और इसमें किसके कंसल्टेशन के साथ, कंसल्टेशन मतलब समझौता, समझ के साथ, दैट मीन्स कि विद द कंसल्टेशन मीन्स आपस में बातचीत करके किसके साथ, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नकास, ठीक है। तो ASB ही काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही AS इशू करता है, IAS इशू करता है, लेकिन IAS इशू करता है विद डिस्कशन ऑफ नकास, समझ में आई बात। तो ये लिखा है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे चलते हुए तो ये नकास क्या होता है, रिकमेंडेड दी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ क्या आपको पता है, सबसे पहले ICAI, ICAI की एक बोर्ड है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसके साथ बातचीत करता है, नकास के साथ बातचीत करता है, इसके साथ कंसल्टेट करके फिर आगे देखो, फिर दिस रिकमेंडेड दिस स्टैंडर्ड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि भारतीय स्तर में कुछ एक स्टैंडर्ड आएंगे या फिर रूल्स रेगुलेशन आएंगे, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। ICAI आपको पता है दिस इज ए ऑटोनोमस बॉडी, नॉट द गवर्नमेंट बॉडी, दिस इज ए ऑटोनोमस बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द स्पेशल एक्ट, ठीक है ना, वो ICAI एक्ट है उनका, 1949 से स्टार्ट हुआ था जो भी वगैरह, ठीक है ना। तो ICAI इज द ऑटोनोमस बॉडी, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, कोई एक ऑटोनोमस बॉडी, कोई एक कॉलेज, कोई एक बॉडी, कोई एक ऑफिस, एक भारतीय स्तर में एक स्टैंडर्ड नहीं इशू कर सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो MCA को रिकमेंड करते हैं। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो कंपनी अफेयर्स के ऊपर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, वो MCA को रिकमेंड करते हैं। एंड फाइनली MCA जो होता है वो इंडिया में इशू कर देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यही बात। तो द इंडियन अकाउंट नेम्ड एंड नंबर्ड, यहाँ पे देखो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, ठीक है ना, सीधी बात बताएं IFRS का कॉपीड वर्जन जो है, IFRS का कॉपीड इंडियन वर्जन, कॉपीड इंडियन वर्जन इज कॉल्ड द IAS, भाई सीधी बात है, लेकिन लिखोगे नहीं ऐसा मार्का होगा, ठीक है। IFRS का कॉपीड इंडियन वर्जन जो हो गया वो हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कैसे नामित किए गए हैं, आर नेम्ड एंड नंबर इन द सेम वे एज द कॉरेस्पॉन्डिंग टू IFRS। IFRS में जैसे नाम और नंबर दिए गए थे, एक नंबर में ये, दो नंबर में ये, तीन नंबर में, चार नंबर में, एक एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब एक एक प्रिंसिपल, एक एक प्रिंसिपल जिस हिसाब से नामित थे उस हिसाब से ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नामित है, मतलब पक्का कॉपी किया हुआ है, कोई समस्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इनिशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किया गया था कि 2011 में ये इशू हो जाएंगे, हाउएवर उस टाइम सर्टेन इशू हुआ क्योंकि कांग्रेसी सरकार के तहत थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, ये बात होता है, तो जनरली पहले कुछ प्रॉब्लम था। तो 2011 से हाउएवर कीपिंग इन द फैक्ट सर्टेन इशू टैक्स वजह से या और रूल्स रेगुलेशन की वजह से, ठीक है, पेंडिंग रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डिसाइड किया कि पोस्टपोन कर दिया जाए इसको, थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये पूरा लिखो, 2011 से स्टार्ट हुआ, तब कोई टैक्स एंड अदर रूल रेगुलेशन के प्रोसीजर चलते, गवर्नमेंट अफेयर्स के चलते पोस्टपोन हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब होने वाले हैं आपकी इशू। फिर बाद में क्या हुआ, 2014 में, क्या आपको पता है ये सारे के सारे चीज बजट में पास होते हैं या तो फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं। तब तो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, ओ सम्मान्य व्यक्ति श्री अरुण जेटली जी लिखा हुआ, ठीक है। तो वो जेटली जी, उनके जो बजट था, ठीक है ना, 2014 के जो बजट था उस हिसाब से अनाउंस किए अर्जेंसी टू कन्वर्जन द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल। तो उनको कहा कि हमको लगा जरूरत है, अब एक वक्त आ चुका है, एक समय आ चुका है, ठीक है ना, जहाँ पे हमको लगता है कि हम IFRS के साथ ताल मिलाते हुए कंप्लाई करते हुए अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वर्जन निकाले, उसका नाम हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझ में आ गया बात। तो ये अरुण जेटली जी अनाउंस करके फिर इंडिया में प्रवेश करवाए, ठीक है। तो आगे देख चलो,
और यहाँ पे सारे के सारे और भी कहानी लिखे हुए हैं। द अबव अनाउंसमेंट वेरियस स्टेप्स हैज बीन टेकन ऑल्सो टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ IFRS अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इशूड, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इशूड द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, रूल्स भी इशू किए 2015 में। रूल्स क्या होता है हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट है, पढ़ोगे अभी, ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961 लिखा हुआ, ठीक है। कभी तो इनकम टैक्स एक्ट है तो ये बहुत पहले आया था, लेकिन हर एक साल इनकम टैक्स रूल्स आते हैं बीच बीच में कोई एक पर्टिकुलर चीज को समझाने के, जैसे कि इनकम टैक्स रूल्स 10, इसका मतलब यही है समझा रहे हैं। कोई ये एक्ट में जब एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सप्लेन करते हुए या फिर टाइम टू टाइम उस पर बदलाव आता है, उस पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो चीज जो मतलब इशू किए जाते हैं, जो वो रूल्स हर एक साल इशू किए जाते हैं। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। दैट मीन्स कोई एक्ट में कोई एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है तो टाइम टू टाइम उसको उस कैलकुलेशन चेंज होता है, वो परसेंटेज चेंज होता है, उसका रेगुलेशन की तरीका चेंज होता है, तो उसको चेंज करने के लिए रूल्स पर इशू किए जाते हैं, उनका नाम हो जाएगा इनकम टैक्स रूल्स, लाइक दिस, ठीक है ना। एक बार तो हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो चलेगा, लेकिन उसको समझाने के लिए टाइम टू टाइम तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स भी इशू किए गए हैं 2015 में, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, ये सारे के सारे इशू हुआ लेकिन अदर देन बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड NBFC, इतना को छोड़ करके बाकी में इशू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन है बैंकिंग कंपनी को चलाने के लिए? RBI है, तो RBI जिस हिसाब से गाइडलाइन इशू करेगा वो उस हिसाब से चलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या आपको पता है आपके पास, वो कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो लिखा IRDA ऐसा कुछ है हमको जो याद है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जैसे कि TRAI है, TRAI आपको पता है, TRAI क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि उसका पर्टिकुलर बोर्ड है, अथॉरिटी है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी पे IAS लागू नहीं होंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, क्योंकि उनका गाइडलाइंस RBI एंड IRDA इशू करता है। बाकी जो भी कंपनी रहे, NBFC पे भी नहीं, NBFC भी ऑल्सो कंट्रोल्ड अंडर द RBI। NBFC का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास भी इशू नहीं होगा। दीज आर द वेरियस लिस्ट ऑफ द IndianAs, IndianAs की बहुत सारा लिस्ट है। हालांकि ये सब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, 5-10 तो कोशिश करके रट दोगे तो हम फुल मार्क दे देंगे। यही बात समझ में आई बात, तो आपको कुछ कम से कम 7-8 तो याद करना है थ्योरी लिखने के लिए, और ये आपकी सिलेबस के अंतर्भुक्त नहीं है, इसके अंदर में जो लिखा हुआ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फाइनली देखो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस तरह की, तो ये स्टार्टेड फ्रॉम 101 से लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे सर नाम ही थे, कोई समस्या नहीं। जैसे कि नंबर 1 में है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे उसके लिए बनाए गए हैं ये अकाउंट। सेकंड इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे होगा, इन्वेंटरी का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए रूल्स लिखे हुए हैं। 7 नंबर पे हैं ये IndianAs, ठीक है ना। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो जाएगा ये, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हो जाएगा। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ AS के हिसाब से देखोगे तो ये 3 है, AS के हिसाब से देखोगे तो 2 है, लेकिन हम यहाँ पे IAS पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अलग अलग मतलब टाइम पे अलग अलग चीज इशू किए गए, और क्या। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा तो उसको कैसे हैंडल करोगे, ये सब 8 नंबर IAS में लिखा हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, सेल हो जाएगा तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे, इनकम टैक्स को कैसे डील करोगे। तो अभी क्या समझ में आई बात, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर एक पॉइंट, एक आइटम को कैसे डील करोगे अपनी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रूल्स को कहा जाता है IndianAs। आगे, और ये IndianAs जो है ऐसे फ्रेम किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को देखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाए गए, यही बात है।
और एक पर्टिकुलर आइटम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कैसे डील करोगे उसके ऊपर, और ये भी और कुछ काफ़ी इंडियन एएस जो अभी प्रचलित है। तो करेंटली दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट, जो बाकी कूड़ा है हम उसको नहीं लिखे। तो यहाँ पे आप आराम से कॉपी कर सकते हो, ये कॉपी कर लो पेज वन, ठीक है। तो इंडियन एएस की ये कुछ 101 ये कैसे क्यों लिखे हैं, 123 पर भी अरे नामित किया गया है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चलो देखो ये पेज वन है, ये पेज टू है, क्लियर कर देते हैं, कॉपी कर दो उसको। पेज टू है, कॉपी कर दो मतलब लिखोगे नहीं बुद्धू, उतना तो टेक्नोलॉजी आप लोग को आना चाहिए, स्क्रीनशॉट लगा दो। नेक्स्ट फिर आगे ये है पेज थ्री, नजर पेज थ्री, इसको कॉपी कर दो, ठीक है, और ये पढ़ लोगे तुम तो। बहुत सारा तो दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं, 8 से 10 याद करो, 8 से 10 याद करो, थ्योरी के लिए लिख दोगे कि दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स फॉर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पूरा थ्योरी एस्पेक्ट जो था यूनिट वन में बस यही था, नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम अगर चल जाएंगे तो वहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन से तुरंत आगे बाद फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारे आपको तौर तरीका सिखाया जाएगा उसमें कि एक्चुअली रियली में फाइनल अकाउंट्स सबसे बड़ा अहम मुद्दा अगर कुछ है अकाउंट्स में तो वो फाइनल अकाउंट्स है। तो फाइनल अकाउंट्स को इजी तौर तरीका में आप कैसे कर सकते हो, जो ट्वेल्थ में आप पढ़ रखे हो उसमें बहुत एडवांस वर्जन है, तो उसको देख करके हम बात करेंगे। तो पूरा यूनिट वन में जो इंपॉर्टेंट थियरी था बस वही था, ठीक है ना, इससे आगे कुछ है नहीं, छोटा मोटा पॉइंट कुछ रहा बचा तो आप पढ़ लोगे, सब कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी होता है, ठीक है ना। ऐसे भी 25% ऑफ द सिलेबस की आपको पता है ही, 25% ऑफ सिलेबस इज द सेल्फ स्टडी। तो यूनिट टू जो है बेसिकली चल रहा है हमारा कॉलेज में, यूनिट टू जो है वो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, 25% सिलेबस जो भी डिसाइड होंगे आपकी एचओडी डिसाइड करेंगे, जो भी समझ रहे हो रूल से ही। तो वैसे भी हम पढ़ा दिए, ठीक है, तो चारों यूनिट्स में आपको एक यूनिट खुद से पढ़ना होता है, फिर भी चलिए ठीक है हम पढ़ा देते हैं, समझ नहीं आएगा स्टूडेंट को तो फिर मतलब ही क्या है, इसलिए पढ़ा दिया जाए, ठीक है। दीज आर द वेरियस, ये बात है, आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल्स एंड दिस इज द थिंग, दिस इज माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल।